जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सतसंग जी, जो जी यात्रा पिंड भवद्दी के इलाके संगतों को नाल लेकर जो लगातार 13 सालों तो गुरु घर दर्शन करवा रहे हैं जी, इस बार भी 13वें साल के 4वें महीने के गुरु घर दर्शन करवा रहे हैं जी। इस बार संगरूर के मानसा जिले के गुरु घर दर्शन करवावे जी। संगरूर जिले के और मानसा जिले संगरूर जिले के गुरु घर दर्शन करवाने बाद मानसा के दूसरे गुरद्वारा पातशाही 9वीं पिंड गंडुआ जिला मानसा इस दर्शन करवा रहे हैं जी। इस टाइम इस स्थान का इतिहास श्री गुरु तेग बहादुर जी का दो व्यक्तियों नाल जुड़िया होया है जी। एक सी मुगलू जिहड़ा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का सिख सी, गुरु जी तो सिक्ख्या ली सी। भाई मुगलू जी ने सन 1631 की महाराज की जंग में श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी के नाल भाग लिया सी ते अपनी युद्ध कला के जौहर दिखाए सी ते युद्ध फतेह किया सी, जिस तो गुरु जी बहुत खुश हुए सी। ते गुरु जी ने भाई मुगलू जी ने कुछ मंगण लई कहा, तां भाई मुगलू ने गुरु जी ने बेनती की, गुरु जी जदों मेरे प्राण अंतम समय ते हुण मैं चाहुंदा है कि तुसीं उस समय आप जी मैनू दर्शन दिओ जी। तां गुरु जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं होगा क्योंकि तेरी उम्र बहुत वड्डी है, उस टाइम तक उस समय असीं नहीं रहना, उस वक्त भविख के गुरु के रूप में असीं तेन आप दर्शन जरूर देवांगे। इस तरह ही होया। कई सालों बाद जदों श्री गुरु तेग बहादुर जी मालवे की यात्रा कर रहे सन, जदों श्री गुरु तेग बहादुर जी पिंड गोडुआ विच गुजर रहे सन, तो उस समय भाई मुगलू जी अपने अंतम समय के साह लै रहा सी। उस समय गुरु जी भाई मुगलू जी के घर पहुँचे हन, तो भाई मुगलू जी तो उस दा परिवार बहुत खुश होया। तो भाई मुगलू जी श्री गुरु जी के दर्शन करके गुरु जी के सामने ही अपने प्राण त्याग दिते ते गुरु जी ने भाई मुगलू जी का संस्कार अपने हाथी किया। दूजी बार दूसरे व्यक्ति गुरु जी ने चौधरी लाडे शाह जिहड़ा पिंड दा चौधरी सी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पिंड विच दूजी बार बुलाया सी ते गुरु जी दी लाडे शाह जी की बेनती ते लाडे शाह के घर एक रात गुजार रहे सन। इस तो बाद श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी अगे चाले पा दिते। इस स्थान का यह इतिहास है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।